गणपतये नमः। श्री गुरुदेव दत्त। नमस्कार मित्रों, प्रॉफिट 666 चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हो आप? आशा करती हूँ कि आप जरूर कुशल मंगल होंगे। आज इस वीडियो में मैं आपको मनचाहा ज्ञान पाने के एक चमत्कारी सिर्फ 3 शब्दों के भगवान शिव जी के महाशक्तिशाली और शीघ्र फलदायी मंत्र के बारे में बता रही हूँ। इस मंत्र का जाप करने से शिव जी के भक्तों को किसी भी प्रकार के ज्ञान और विद्या की प्राप्ति होती है या इच्छित मन में बसा ज्ञान प्राप्त हो जाता है। यह छोटा सा शिव मंत्र ज्ञान की खोज में जुड़े हुए सर्व लोगों के लिए, जैसे कि छात्र, साइंटिस्ट, खोजकर्ता या धार्मिक या आध्यात्मिक या मायावी और अलौकिक ज्ञान और सिद्धियां पाने के इच्छुक साधकों को भी अत्यंत लाभदायक साबित हो सकता है, क्योंकि यह एक बहुत ही सरल और आसान लेकिन महाशक्तिशाली शिव मंत्र है जो बहुत ही जल्द असर दिखाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ जाएगा तो कृपया सब्सक्राइब करना मत भूलिए और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें। यह एक अत्यंत विश्वसनीय शिव मंत्र है जो प्रभु के 1000 नामों में, यानी कि श्री शिव सहस्त्र नाम स्तोत्रम में वर्णित शिवजी के नाम मंत्र क्रमांक 375 पर वर्णित नाम मंत्र पर आधारित है। और जैसे कि मैंने पिछले बहुत सारे वीडियोस में बताया है, विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए यह नाम मंत्र बहुत ही असरदार साबित होते हैं। इस मंत्र का जाप आप किसी भी दिन से शुरू कर सकते हो। मंत्र जाप शुरू करने के लिए शुभ मुहूर्त का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है और साधक आगे बताए हुए शिवजी के मंत्र को हर दिन सवेरे या रात को शांत चित्त से बैठकर कम से कम 5 से 10 मिनट तक जाप कर सकता है। इस मंत्र के साथ खास पूजा विधि और दिशा, आसन, माला संबंधित नियम और बंधन जुड़े हुए नहीं है। अगर साधक की इच्छा हो तो वह भगवान शिवजी के फोटो या मूर्ति या शिवलिंग के सामने धूप या अगरबत्ती और दिया प्रज्वलित करके शांत चित्त से बैठकर इस मंत्र का जाप कर सकता है। मंत्र का वाचिक या मानसिक जाप किया जा सकता है और अगर साधक शिवजी पर अटूट भक्ति रखकर इस मंत्र का जाप करेगा तो उसे पहले दिन से ही इस चमत्कारी शिव मंत्र की प्रचंड ऊर्जा महसूस होने लगेगी। इसलिए एकाग्रता के साथ, प्रबल इच्छा शक्ति के साथ और आत्मविश्वास के साथ इस मंत्र का जाप करें। अब मैं आपको पहले इस मंत्र का अर्थ बताऊंगी, उसके बाद मंत्र बताऊंगी। इस मंत्र का अर्थ ऐसा होता है, मैं शिवजी का नमन करता हूँ जो ज्ञान का खजाना है। इस मंत्र का अर्थ या इसका मतलब यह होता है कि जो ज्ञान और विद्या या सिद्धियाँ और शक्तियाँ जो आप पाना चाहते हो वह सब शिवजी में मौजूद है। अब मैं आपको मंत्र सुनाने जा रही हूँ, कृपया ध्यान से सुनिए। मंत्र इस प्रकार से है, ओम नंदये नमः, ओम नंदये नमः, ओम नंदये नमः, ओम नंदये नमः। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ गया हो तो कृपया सब्सक्राइब करना मत भूलिए। प्रभु सबका कल्याण करेंगे।